अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। किसानों ने कहा, देश के जवानों व किसानों के प्रति सरकार खिलवाड़ ना करे और अग्निपथ योजना को वापस ले। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर श्री चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने यह आह्वान किया है कि पूरे भारत में सभी जनपद मुख्यालय और तहसीलों पर विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा कि ये जो अग्निवीर योजना है आर्मी की, इसको कैंसिल किया जाए और जैसे पहले थी आर्मी की नियुक्ति की व्यवस्था वो रखी जाए और ये 4 साल की खत्म किया जाए। इससे क्या है कि आर्मी में हमारे गांव और देहात क्षेत्र के ही बच्चे और किसानों की 80-90% जाते हैं, शहर के किसी डॉक्टर और इंजीनियर IAS IPS और नेताओं के नहीं जाते हैं। तो इससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, उनको उनका मनोबल डाउन हो रहा है और इससे देश की सुरक्षा पर भी जो जाबाजी से जब हमारे सैनिक लड़ते थे उनकी भविष्य को रहता था कि उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी को नौकरी मिलेगी और परिवार की सरकार देख रेख रखेगी। और इसमें अग्निवीर में ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट होने के बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है किसी प्रकार की और न आपको कोई मेडिकल सुविधा है न कैंटीन की कोई सुविधा है और जो फैसिलिटी जो परमानेंट में होती हैं वो किसी प्रकार के नहीं है न पेंशन है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जय हिंद जय भारत। जी, ज्ञापन में जो आप लोग SDM महोदय को ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में आपकी मांगे क्या हैं? हम लोग जो मांगे आपको हमने अभी बताया है यही विरोध, यही मांगे हैं कि अग्निवीर योजना को स्कीम को कैंसिल किया जाए और जो पहले जैसे आर्मी के सिस्टम भर्ती के था उसी को बहाल रखा जाए क्योंकि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है।